अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और एक बार फिर जो है लियारी की मशहूर ज़माना गरीब शाह मार्केट में मौजूद हैं आपके लिए। और आपके लिए क्या, बेसिकली घर के लिए शॉपिंग करने आया था कुछ बच्चों के लिए, मैंने सोचा एक और वीडियो आपके लिए बना दें। और इससे पहले भी आप एक वीडियो देख चुके हैं। अब जो वीडियो है वो है आदिल स्टोर की। और आदिल स्टोर भी जो है वो यहाँ पर ईरानी और टर्किश प्रोडक्ट वगैरह जो है सेल करते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं और कम पैसों की भी होती हैं, लेकिन क्वांटिटी जो है वो मिनिमम क्वांटिटी आपको कम से कम 6 पीस यहाँ से परचेज़ करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ आएँ और ज़रूर आएँ क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ, चलें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फवाज़ है और मेरी शॉप का नाम आदिल स्टोर है। और ये शॉप लियारी गरीब शाह मार्केट जो काफ़ी मशहूर है चप्पल मार्केट से, यहाँ पे है। अनफिया मस्जिद के थोड़ा आगे आएंगे तो आपको आदिल स्टोर दुकान दिख जाएगी। अच्छा, तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं? सर हमारे पास ईरान से भी आती हैं, इसके अलावा इंग्लैंड से, तुर्की से, इन ज़्यादातर इंपोर्ट का ही माल होता है, पाकिस्तानी कम होता है। होलसेल है या रिटेल? होलसेल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें, ये चुकंदर है, ये चुकंदर है और इसकी प्राइस 50 रुपये, सिर्फ मुझे 50 रुपये। क्या है? चुकंदर। अच्छा, चुकंदर अचार है ये? अचार नहीं है, इसका को दिखाना तो कितने का है ये? ये 50 रुपये का। अच्छा, मतलब पीसीज है चुकंदर के? जी, चुकंदर के पीसीज है। और सर ये चने, ईरानी चना है ये। ये कितने का? ये सर 70 रुपये का। बॉयल्ड है। और ये होलसेल है? होलसेल में 70 रुपये। इसके अलावा ईरानी लोबिया, बैक बीन्स, ये भी 70 रुपये का। इसका वज़न भी बता दो। सर वज़न लिखा होता है, यहीं पे ही लिखा होता है ना, आपको फिर आके ही पता चल जाएगा कितना वज़न है। कितने का? 70 रुपये का। इसके अलावा इंग्लैंड का लोबिया है ये, बैक बीन्स, ये बाहर के टेक्सो कंपनी का है, ये 50 रुपये का है। ये ईरानी है का? ईरानी नहीं है, ये इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का? जी। इसके अलावा टेस्को टोमेटो एंड चिली पेस्ट, इसमें सिरके के अंदर टोमेटो एंड चिली पेस्ट होता है, और ये 70 रुपये का है। इसके अलावा न्यूट्रेला की तरह ये चॉकलेट है, चोको करम, ये सर आपको 200 रुपये का पड़ेगा। ये कहाँ का? ईरान का? ईरान का नहीं, तुर्की का है। जी। और इसके अलावा ईरानी मायनीज़, ये मायनीज़ है गार्लिक वाला, इसमें केचप भी है। इसके अलावा मायनीज़ सादा, इसमें टोटली 4 फ्लेवर आता है, चारों फ्लेवर अवेलेबल है। कितने का है? 200 रुपये का है, ईरानी। इसके अलावा जैम, ये ईरानी जैम है, ये कैरेट फ्लेवर और ये इंजीर का फ्लेवर है, ये 300 रुपये का है और ये 150 रुपये का है। अच्छा, होलसेल में कोई तुमसे एक आध पीस लेने आएगा तो वो भी दे दोगे? सर एक आध पीस ले या कार्टन ले, उसको एक ही हिसाब से मिलेगा और होलसेल के हिसाब से मिलेगा। इसके अलावा मछली, ईरानी मछली काफ़ी मशहूर, ये टूना फिश होती है ना? टूना मछली होती है। कितने की? ये 120 रुपये की है, ये 80 रुपये की है, छोटा और बड़ा फ़र्क होता है खाली। इसके अलावा सर काफ़ी मशहूर चीज़ एक ऑलिव, ईरानी ऑलिव, ये 450 रुपये का है, ये इससे छोटा जार आता है मगर अवेलेबल नहीं है, ये 450 रुपये का पड़ेगा। ये बताओ ये कितने का बिकता है आमतौर पर मार्केट में? रिटेल आमतौर पर रिटेल 700, 650 की रिटेल इतनी होती है, 450। इसके अलावा पैम्पर, बेबी पैम्पर ईरानी है जी, ईरानी बेबी किंग कंपनी का है। और ये 350 रुपये के 16 पीस है, इसमें स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ आता है। इसके अलावा सर बिस्किट्स ईरानी एक ये बिस्किट आता है, एक रियो बिस्किट आता है। कितने कितने के? 50-40। इसके अलावा एक ये ओरिनो, एक ये बिस्किट है, ये ओरिनो ये कितने का? ये आपको इसका बॉक्स 450 रुपये का पड़ेगा, 24 पीस जी। 24 पीस होते हैं जी। एक कितने का है? एक दाना 20 रुपये का डिटेल होता है, मगर हमारे पास से ऐसी चीज़ें आपको दानों में मिल सकती है और डब्बों में मिलती है। इसके अलावा एक और बिस्किट है। अच्छा, इन बिस्किट के प्राइस बताया तुमने कितने के? कौन कौन से जी जी, ये 50 और 40, ये रियो 50 रुपये का और ये छोटा 40 रुपये का। इसके अलावा ये भी ईरानी बिस्किट है, ये कितने का? ये 200 रुपये का है। 200 रुपये का? ये पूरा पैकेट 200 रुपये का है। वैसे बिकता कितने का होगा ये मार्केट में? मार्केट में 250 से 300 रुपये का बिकता है। अच्छा, हमें कुछ अपने लिए परचेज करना है जी जी, तो एक ये पैकेट मेरे लिए रखो जी जी, ज़रा रख दिया यहाँ पे। और इसके अलावा चॉकलेटों में मैं आपको स्पार्क दिखाता हूँ। स्पार्क है ये 5 वाला स्पार्क, इसमें 100 पीस होते हैं और इसका बॉक्स 350 रुपये का है। 350 जी जी, अगर आप कार्टन में लेंगे थोड़ा और आपको कम मिलेगा। 100 पीस होते हैं जी, 100 पीस होते हैं, 5 रुपये, इसमें 500 रुपये का माल होता है टोटल। इसमें नानी भी सेम रेट, 100 पीस है, 350 रुपये। अगर कार्टन लेंगे तो आपको 350 से कम का पड़ेगा। ये हो गए 5 वाले। अभी बात करते हैं 10 वाली चॉकलेटों में। ये 10 वाला स्पार्क है, ये आपको पड़ेगा 260 रुपये का। कितने पीस होते हैं? 30 पीस होते हैं, 10 रुपये का एक जी। और इसके अलावा नानी चॉकलेट, ये 220 रुपये की, इसमें 30 पीस हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम लोग पिछली बार ये 200 रुपये का लेके गए, स्पार्क 250 रुपये का लेके गए। उनको ये कहता हूँ कि ये ईरानी प्रोडक्ट हैं, इनका एक रेट नहीं होता। अगर ये स्टॉक पड़ा हुआ ये 220 का, अगर नेक्स्ट स्टॉक आएगा वो 200 रुपये का भी हो सकता है, या अगर महंगा आया तो 250 रुपये में जा सकता है। 220 रुपये का जी, 30 पीस है इसमें। इसके अलावा चॉकलेट 1 kg वाला कार्ने मिला, 1 kg वाला है, इसमें 100 पीस होते हैं, ये 250 रुपये का। और ये लूज में कितने की? 5 रुपये की बिकती है। अगर इसमें काउंट किया है तो 100 पीस है, ये 500 रुपये का माल है, इसमें 250 रुपये का आपको पड़ेगा। इसके अलावा ड्रीम चॉकलेट, ये ड्रीम चॉकलेट है, इसमें 2 फ्लेवर, एक चेरी और एप्पल, ये 280-280 रुपये के, दोनों फ्लेवर, कोई भी ले लें। और ये है 10 रुपये वाली, 15 वाली। इसके अलावा वेफ़र में एक रिंग वेफ़र, ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी टेस्टी है। काफ़ी लोग ये लेते हैं कि काफ़ी अच्छी होती है, छोटी है मगर टेस्टी है काफ़ी। क्या है ये वेफ़र है, वेफ़र बिस्किट्स है। कितने का पैकेट है? 200 रुपये का, ईरानी, सारा माल ईरानी। कितने पीस होते हैं इसमें? 35 पीस होते हैं, 35 पीस जी। इसके अलावा वेफर में एक और वेफर पड़ा हुआ है, मिलानो वेफर, ये बहुत चलता है, ये भी काफ़ी चलता है। ये कितने का है? 300 रुपये का, 24 पीस, 20 वाला है 20 जी। इसके अलावा 7 प्लस वेफर है, ये 20 वाला है, ये 420 रुपये का, 24 पीस होते हैं इसमें। 420 जी, 20 रुपये रिटेल में 20 रुपये का बिकता है। इसके अलावा एक और वेफ़र, काफ़ी मशहूर वेफ़र, इसका कोन भी ज़्यादा मशहूर है और वेफ़र भी, सोरबोन वेफ़र, ये मिनी वेफ़र है। इसमें 35 पीस होते हैं, 8 किस्म की चॉकलेटें होती हैं। ये 350 रुपये का है, और अगर कार्टन लेंगे कार्टन में आपको सस्ता पड़ेगा। ये बिकता 15 रुपये का एक दाना है। कौन? जी जी सर, कौन का स्टॉक ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा सर शेक बबल है, ये फ्रेशअप की तरह, फ्रेशअप की तरह 5 रुपये की एक बिकती है, 200 रुपये का पूरा डब्बा है। 30 से 40 पीस होते हैं। इसके अलावा सर केकों में काफ़ी किस्म के केक पड़े हुए हैं, यहाँ पे देख लें। ये सारे लाइन से सिंपल पड़े हुए हैं। एक ये केक है, ये सर नरसी केक है। ये इसमें इसके बॉक्स में 36 पीस होते हैं। ये 500 रुपये का बॉक्स होता है, 13.5 रुपये एक दाना पड़ता है। रिटेल इसकी 20 रुपये। इसके अलावा मिलानो केक, इसकी रिटेल 15 रुपये, इसका बॉक्स आपको 260 रुपये का पड़ेगा, 24 पीस होंगे। इसके अलावा पानो केक ये आपको पड़ेगा 280 रुपये में, एक दाना 18.5 रुपये का, उसकी रिटेल 15 रुपये का, और उसका बॉक्स 480 रुपये का है, 24 पीस होते हैं। इसके अलावा अल्बीना केक 270 रुपये का, 470 रुपये का, 24 पीस होते हैं, और इसका एक दाना बिकता है 30 रुपये का। इसके अलावा लिंडो केक, इसमें 24 पीस होता है, इसकी रिटेल 20 रुपये, ये 400 रुपये का बॉक्स होता है। इसके अलावा इन्वेंटो केक है, इसमें 3 से 4 जी केक की काफ़ी वैरायटी की, केक ज़्यादा डिमांड में होता है, सस्ता होता है इस वजह से। ये सर इन्वेंटो केक है ना, इसमें 3 किस्म के आते हैं ना, अभी फ़िलहाल तो 2 अवेलेबल है, इंशाल्लाह वो भी अवेलेबल हो जाए, तीसरा फ्लेवर भी। ये 480 रुपये का है, 24 पीस है, इसकी रिटेल 30 रुपये। एक ये केक है नया आया हुआ है, दिलसा केक है, इसमें 24 पीस होते हैं, और इसकी एक रिटेल 30 रुपये की है, पड़ता आपको 21 रुपये का है, 500 रुपये का बॉक्स। इसके अलावा पम्पम केक है, ये आपको 480 रुपये का पड़ेगा, 36 पीस है इसमें, और एक दाना आपको 13 रुपये का पड़ेगा, इसकी रिटेल 20 रुपये की होगी। इसके अलावा डोनी केक, जो अभी आपने बॉक्स में देखा, ये वाला बॉक्स, ये 480 रुपये का, 24 पीस हैं, एक दाना 18.5 से 18 के दरमियान मिलेगा आपको। रिटेल में कितने का? रिटेल में 25 रुपये का बिकता है। इसके अलावा एक केक है, ललाई केक है, ये ललाई का नहीं। इसके अलावा एक और मशहूर आता है, वो अवेलेबल नहीं है, वो इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा। ललाई का एक और ब्रांड है, दूसरा फ्लेवर है ललाई का। ये सर ये 500 रुपये का बॉक्स है, इसका एक दाना 21 रुपये का, इसकी रिटेल 30 रुपये, 24 दाने। इसके अलावा ये काफ़ी मशहूर और काफ़ी अच्छा और मेरा फेवरेट केक है, ये लेयर केक है। ये इसमें इसके बॉक्स में 36 पीस होते हैं, और इसका बॉक्स 750 रुपये का है, और इसकी रिटेल 30 रुपये। ये मैं डेली खाता हूँ काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। इसके अलावा ये रियो केक है, और ये काफ़ी मशहूर है, काफ़ी डिमांड में भी आजकल चल रहा है। इसका बॉक्स आपको पड़ेगा 500 रुपये का, और इसमें 24 पीस होते हैं, 21 रुपये का दाना होता है, 30 रुपये की रिटेल होती है। इसके अलावा काफ़ी लोग ईरानी चिप्स की बात करते हैं। ईरानी चिप्स 2 किस्म के आते हैं, एक चीटोस आता है, एक चाकलेस आता है। ये चाकलेस है, चीटोस भी इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा। एक फिंगर चिप्स है, टोमेटो फ्लेवर में। ये कितने का है? इसका बॉक्स आपको पड़ेगा 550 रुपये का, 40 पीस होते हैं, 40 से 30 पीस होते हैं। रिटेल में कितने का? रिटेल का 20 रुपये का। इसके अलावा ये ग्रीन पिकल्स हैं, मटर, ये मटर हैं, ये 70 रुपये का बॉक्स है पूरा। इसके अलावा ईरानी शैम्पू काफ़ी वैरायटियों में मेरे पर पड़ा हुआ है। एक ये तो बड़ा पैक लग रहा है, बड़े पैक है। उसके अलावा एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत शैम्पू, ये 4 किस्म के पड़े हुए हैं। ये एंटी हेयरफॉल शैम्पू है, ये इसकी प्राइस 250 रुपये। और इसके अलावा एक ये शैम्पू है, ये मीडियम साइज़ है, मियामी का, ये मीडियम साइज़ है, ये 250 रुपये का, डैंड्रफ वाला है। और ये मियामी के जंबो साइज़ के शैम्पू, इसमें दो फ्लेवर हैं, 300 रुपये। जी जी जी। और इंशाल्लाह शैम्पू में नया स्टॉक आ रहा है, इंशाल्लाह कल तक नया स्टॉक शैम्पू में भी आ जाएगा। इसमें ब्लैक ऑलिव फ्लेवर का शैम्पू होगा और इसके अलावा एक और शैम्पू है वो ऑलिव, ग्रीन ऑलिव वाला, वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल कल तक हो जाएगा। इसके अलावा सर शहद हनी, इसमें बड़ा वाला हनी पड़ा हुआ, ये 550 ईरानी है, फार्मी है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल है, ओरिजिनल नहीं होता, फार्मी आता है वहाँ से। फार्मी भी ओरिजिनल ही होता है, क्वालिटी वाइज अच्छा होता है, यहाँ से अच्छा होता है थोड़ा। कितने का ये? 550। सर इसके अलावा चीज़, ये क्रीम चीज़ है सर, इसका एक दाना 50 रुपये का होता है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो 45 रुपये का पड़ेगा आपको कार्टन में। इसके लिए एक और बिस्किट है, ये पाकिस्तानी बिस्किट की तरह ही है, टक की तरह, सॉल्टेज है। ये कितने का? इसका बॉक्स 450 रुपये का, और एक दाना इसका 25 रुपये का डिटेल होता है, पाकिस्तानी से थोड़ा महंगे, मगर बॉक्स में कितने होते हैं? 24 पीस होते हैं। में एक्सपायरी वगैरह भी चेक करा के देते हैं आप? जी सर, एक्सपायरी चेक करवा के देते हैं हम, तमाम चीज़ों की एक्सपायरी दिखाएंगे, मुतमईन करके फिर भेजेंगे। इसके अलावा टमाटो पेस्ट, सालन वगैरह, जब टमाटर महंगा हो जाता है ये चलता है, ये 100 रुपये का है, एक दाने से लेंगे तो आपको रिटेल में 100 रुपये का पड़ेगा, अगर होलसेल में लेंगे ज़्यादा लेंगे तो आपको 90 रुपये का पड़ेगा। इसके अलावा ये काफ़ी लोग पसंद करते हैं, इमली है तामिल, ये इमली है, इसकी रिटेल 10 रुपये और ये पूरा 20 दाने वाला थैली 80 रुपये का। इसके अलावा एक और बबल है, स्माइल बबल, ये 20 वाला बबल है, इसकी प्राइस है 280 रुपये, इसमें 18 पीस होते हैं, एक दाना 20 रुपये का बिकता है। इसके अलावा ईरानी पीनट्स, ये ईरानी पिस्ते हैं, सॉल्टेज ईरानी पिस्ते, इसकी ये एक थैली 50 रुपये का, अगर ज़्यादा लेंगे तो 45 के हिसाब से आपको पड़ेगा कार्टन का। जी जी, पूरा 50 रुपये का थैली, ज़्यादा लेंगे तो 45 रुपये के हिसाब से मिलेगा। हमारे पास लोग बोलते हैं रिटेल है, रिटेल नहीं, हम लोग एक दाना भी होलसेल के हिसाब से देते हैं। काफ़ी लोग आते हैं बड़े क्वान्टिटी में नहीं उठा पाते, उनको एक दाना होलसेल के हिसाब से दे देते हैं, अगर किसी को बड़ी क्वान्टिटी में चाहिए तो वो भी करते हैं। जी 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 जी, ये 3 kg वाली टॉफ़ियाँ हैं, ये मिक्स 3 kg वाली टॉफ़ियाँ हैं, इसका पूरा पैक 650 रुपये का है, 3 किलो। ये 5 रुपये की 2 बिकती हैं। और ये इसका कितने पीस होंगे इसमें? इसमें 3 kg होता है, इसमें पीसेस के हिसाब से नहीं होता है। और इसके अलावा दिलवार, ये क्लियर की तरह ही होती है, ये 3 kg वाला है, ये भी 650 रुपये का है। इसके अलावा सर एक और बिस्किट, ये वाला बिस्किट है, ये एक दाना 30 रुपये का पड़ेगा आपको, अगर आप कार्टन में लेंगे तो आपको कार्टन, इसका पूरा कार्टन 1050 रुपये का पड़ेगा। बिकता कितने का? बिकता 30 रुपये का। अच्छा, जूसेस वगैरह भी होते हैं आपके पास? जी बिल्कुल सर, जूसेस होते हैं, रानी जूस होता है, लूना जूस होता है, अभी फ़िलहाल तो लूना जूस पड़ा हुआ है, वो लाता हूँ आपको दिखाता हूँ। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ लूना जूस पड़ा हुआ है। ये कितने का है? इसका एक दाना 50 रुपये का है, अगर आप ज़्यादा लेंगे क्वांटिटी में, कार्टन आपको पड़ेगा ये 41 के हिसाब से, इसका पूरा कार्टन 500 रुपये का, इसमें 12 पीस होते हैं। रिटेल क्या? रिटेल 60 रुपये। जी जी, और आप कह रहे हैं 50 रुपये का? 50 रुपये का इंशाल्लाह सर। इसके अलावा स्टॉक भी है, एक आ रहा है, कल तक इंशाल्लाह आ जाएगा स्टॉक्स में, शैम्पू होंगे, जूस होंगे, चिप्स होंगे। ये क्या है सर? ये शैम्पू है, गार्लिक वाला शैम्पू है, लहसुन का, ये 200 रुपये का। जी जी, सारा सा कम्प्लीट हो गया, टोटली मैंने सारा पीसेस में दिखा दिया। अच्छा फवाद, मुझे ये बताएं कि अगर जो है वो कोई आपसे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहे क्योंकि हम वीडियोस करते हैं तो दूसरे शहरों से लोग बड़ा अप्रोच करते हैं। जी जी बिल्कुल करते हैं। अगर हमें जो है वो यहाँ पे हम बिजनेस करना चाहें तो उनके लिए क्या आप बताएंगे? सर दरअसल हमारा काम ऑनलाइन का नहीं है, हमारे पास ऑनलाइन वाले आते हैं परचेज़ करते हैं, हम खुद ऑनलाइन नहीं करते हैं। अगर हम खुद ऑनलाइन करें तो हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें हमें बहुत ऑर्डर आते हैं ऑनलाइन के, हम लोग नहीं करते इस वजह से। अच्छा तो नंबर बताएं अगर लोग आपसे रब्ता करना चाहें। सर अगर लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं मेरा व्हाट्सअप और कॉल नंबर 03021954 814। अच्छा एक आखिरी सवाल वैसे जी जी अपने व्यूअर्स के लिए। जी बिल्कुल। कि मिनिमम कितनी क्वांटिटी में अगर कोई ले सामान तो आप देंगे? सर 6 दाने भी लेना, कार्टन के हिसाब से मिलेगा हर चीज़, ऐसे चीज़ें आपको कार्टन ही 6 दाने, जैसे कि ये बिस्किट है, अगर आप मुझसे 6 दाने परचेज़ करेंगे तो आपको 41 का पड़ेगा। तो आप देंगे यानी कम से कम 6 पीस होना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर, थैंक यू। इसके अलावा सर ये ईरानी टैंग, अलतुस्सा टैंग ऑरेंज फ्लेवर, इसका ये पूरा एक साशा 1.5 लीटर की बोतल बनाता है एक साशे में, और इसका पूरा बॉक्स में 24 पीस होता है और 250 रुपये का बॉक्स होता है। एक साशे कितने का पड़ा? 12.5 रुपये का। अगर ऐसे रिटेल करें तो 20 रुपये का रिटेल है। इसके अलावा सर डिश वॉशर भी अवेलेबल है सिवाय यकता के। यकता भी इंशाल्लाह कल तक स्टॉक आ जाएगा उसका भी, अभी माघुल पड़ा हुआ है, शहाब पड़ा हुआ है। कितने के? मागोल 130 रुपये का है, शहाब 150 रुपये का है। शहाब थोड़ा महंगा है इस वजह से कि बड़ा है मागोल से, यकता से, और डिमांड में काफ़ी होता है इस वजह से महंगा है। डिमांड में भी है। हैंड वॉश वगैरह? हैंड वॉश वाले सर ये नहीं आते, हैंड वॉश नहीं आते। रेड कलर की सर। जी जी। सर ये ईरानी टॉफ़ी है, ये भी 1 केजी वाला है ना, इसमें 2 फ्लेवर आते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। सर ये 250 रुपये का, सिर्फ 250 रुपये का 1 केजी। ये है क्या चॉकलेट टॉफ़ी है? क्या टॉफ़ी है? चॉकलेट टॉफ़ी। ये रामतीन चॉकलेट है ना, ये मज़े की होती है, आपने ट्राई भी की होगी। सर ये 180 रुपये का बॉक्स है, 24 पीस है। जी जी ये रख दिया। सर ये ईरानी सॉप है, ये पाकिस्तानी लोकल है मगर क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा होता है, और ये ईरानी सॉप है। ये 300 रुपये के 6 दाने। 300 रुपये? जी 300 रुपये के 6 दाने, एक दाना 50 रुपये का पड़ता है, और रिटेल इसकी 60 रुपये। ईरानी है ये 270 रुपये का, इसकी रिटेल 50 रुपये की होती है, और एक दाना आपको 45-43 के दरमियान का।